ये डिज़ाइन कैसे बनेगा? अभी ये आपको सिर्फ पट्टी चाहिए या फिर बीच में ये खाली चाहिए? ये तो कंफर्म बताओ, ये बीच में खाली है कि पूरा कुछ मॉडल है, बीच में फील है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये तो क्लियर करो बाबू। ठीक है, तो कुछ जैसे मैं समझ रहा हूँ कि हाँ बीच में चलो खाली है, ओके, जहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है, तो बीच में खाली है, उसके हिसाब से करते हैं। जैसे कि ये शेप है ना, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, आप इसको फ्रंट से बना सकते हो इजी, आप इसको लाइन से बना सकते हो, काफ़ी इजी हो जाता है लाइन से क्रिएट कर पाना। लाइन्स में भी आप रेंडर लेबल एक्टिव कर लो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, रेंडर लेबल इसको आप रेक्टेंगल कर सकते हो, रेक्टेंगल तो देखो ये ऐसे पट्टी बनती है, ऐसे पट्टी को आप कैसे भी घुमा सकते हो ऐसे। ठीक है, पट्टी का थिकनेस वगैरह वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं बाद में, मगर पहले तो शेप बना लेते हैं। जैसे कि एक शेप गया ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वैसे एक पहले मैं एक पट्टी बनाता हूँ ऐसे, ये पट्टी हो गई हमारी ऐसे कुछ। ठीक है, एक पट्टी बन गई ये वाली। अभी चाहो तो इसी पट्टी को मैं कॉपी कॉपी करके यूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी इजी रहेगा मेरे लिए। कॉपी करके इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ये काफ़ी नीचे चले गया, मेरे को थोड़ा ऊपर करना था। ओके, फील है पूरा, ओके, वही पूरा फील, ऑब्जेक्ट फील है, बस पट्टी मारा हुआ ना बस इसने, वही तो लग रहा है मुझे भी, पट्टी लगाया बस, ऑब्जेक्ट पूरा फील है, पूरा पट्टी पट्टी बस लगाया हुआ। जैसे अगर मेरे को इसको एक बॉक्स के अंदर बनाना है, जैसे कि अभी इन्होंने जो सेकेंड इमेज जो दिया है हमें, ये वाला इमेज, ठीक है ना, इसको भी सेव कर लेते हैं ताकि रेफरेंस के लिए हमको आसानी हो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, अरे भाई रुक ना भाई रुक, क्या फोटोशॉप क्यों ओपन हो रहा है? हाँ, फिर इसको भी कर लेते हैं हम लोग ब्राउज़, ये अभी हमको समझने में आसानी होगी कि मुझे इसको बनाना है सिर्फ एक रेक्टेंगल के अंदर कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा। ओके, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आने वाली है। ठीक है, एक ऑलमोस्ट कुछ मोटा मोटी हमको डिज़ाइन मिल गया कुछ हद तक, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है अब, जैसे कि मेरे को अभी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला हो गया हमारा, तो थोड़ा सा और भी थिक करना है, मैं इसका रेंडर लेबल को जाता हूँ, थोड़ा और मोटा करने की कोशिश करते हैं इस शेप को, जैसे कैसा हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ, जो हमारा ये वाला शेप है। अभी यही तो क्या हमारा उल्टा हो गया है, जैसा बोल रहे हैं कि ये जो आपने बनाया है ये अंदर रहेगा ग्रू, बाकी ये बाहर रहेगा, ऐसा कुछ। ओके, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो ये अंदर रहेगा ग्रू, बाकी सब बाहर रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के बाद फिर जितने भी ये लाइंस है ना, उनको मैं कर लूँगा एट एब पॉली करके अटैच कर लूँगा। अटैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने कर लिया कॉपी, फाइन। थोड़ा मुझे इसको और भी ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए था, तो मैंने लेके नहीं गया, तो थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूँ, हल्का फुल्का इसको भी बाहर कर लेता हूँ। मैं किस सोच रहा हूँ, तो वो होने के लिए इसको के बीचों बीच होना ज़रूरी है। अभी क्या है कि मैं इसको लूँगा एक ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा बॉक्स है उसको ले लिया, फिर सीधा जाएंगे हम लोग यहाँ पर
कंपाउंड ऑब्जेक्ट में ग्रो ब्लिन में क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो इससे क्या कि ये हो जाएगा कट, कट हो गया हमारे पास, आ गया कट। फिर बस और क्या करना है हमें, बस इसके बीचों बीच रख देना है इसको, अंदर डेप्थ आ गया हमारे पास, इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, इसका भी काम ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म। अभी जैसा आपको शेप चाहिए था वैसे शेप आपके पास आ गया इधर पे, ठीक है। अंदर की तरफ डेप्थ भी आ रहा है इसका, तो कब बोले तो अभी ये तो बाहर निकला हुआ है, इसको नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग स्केल करके छोटा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो जैसे आपका ये शेप बन जाता है, बोले तो बाहर निकल रहा हमारा, उसको फिर अंदर कर लो, कोई पंगा नहीं है। जो जो बाहर निकल रहा है उसको फिर अंदर कर लो ना, एडिट क्वालिटी तो ही है हमारे पास, आराम से इसको अंदर कर सकते हैं या फिर इसको काट सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं उस जगह पे, या फिर इसको ऐसे ही प्रॉपरली मैनेज कर लो उस जगह पे सीधा सीधा। या फिर जरूरी नहीं है कि आप इसको ही रखो, आपके पास ये तो आ गया ना, ये आप इसको जरूरी नहीं कि इसको ही रखो, आप इधर पे कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो, पीछे की तरफ दूसरा कोई प्लेन डाल सकते हो, पतला सा पतला था रेक्टेंगल डाल सकते हो सेम शेप का, ऐसे खींचा फिर एक नया एक्सट्रूड मारा, पतला शेप कर दिया, फिर इसको पीछे की तरफ खींच लिया, इस तरीके से आपका ये स्टेप भी पूरी तरह से बन जाता है। लाइक देख सकते हो जैसा चाहिए था, आप इसको अलग कलर कर लो, इसको अलग कलर कर लो, तो जैसे है ना आपका सिंपल से बन गया। pixiv.com यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।